ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीट पर 17 नवंबर का वोटिंग होने वाली है और इससे पहले कांग्रेस में जम के जुबानी जंग छिड़ी है। जुबानी जंग बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में छिड़ी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में जो जुबानी जंग छिड़ चुकी है, पर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर जम के निशाना साधा गया है। बीजेपी के द्वारा कांग्रेस का गुट और गिरोह बधी पार्टी बतावा गया। तो विभिन्न क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम कही थे, शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि मध्य प्रदेश के राजनीति में इस समय हलचल तेज है और हलचल तेज हो का है ना, चुनाव के समय है। विधानसभा चुनाव से पहले बता दें कि कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में इस समय जुबानी जंग छिड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा एक वीडियो में दिग्विजय सिंह के कपड़ा फाड़े के बाद कहे गए दिग्विजय सिंह के द्वारा वे बात पर कमलनाथ के बयान पर तगड़ा पलटवार की इनका। बता दें कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीट में 17 नवंबर से चुनाव हो का है। 3 दिसंबर का नतीजा घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जुबानी जंग से प्रदेश के सियासत गरमाए रही है। ये मामले का लेके बीजेपी के बड़ा मौका मिला है कांग्रेस के ऊपर निशाना साधे के। बीजेपी के द्वारा कांग्रेस का गुट और गिरोह में बटी पार्टी बतावा गया है और अपना को बताई थे कि आखिर पूरा माजरा आएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा एक भाषण के दौरान मंच से यह कह देना कि अगर दिग्विजय सिंह आपकी भी बात न सुने तो उनके कपड़े फाड़ दीजिए। ये पर दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा गया कि साइन तब PCC चीफ के होता तो आखिरकार कपड़ा के कर फटे चाहिए। दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक के अंदाज में हालांकि ये बात कही गई। दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा गया कि शंकर के काम है विश्वीना तो पिएंगे, जबकि जवाब में कमलनाथ के द्वारा कहा गया कि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि वो तो पहले से ही विष पीते आए हैं, आगे भी पीना पड़ेगा। ये मामले में विवाद बड़ा देख के दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा गया कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं और समझदारी है कहा थी कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकाला। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के विवाद पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा तंज कसा गया है और कहा गया कि कांग्रेस का गुट और गिरोह में बटी पार्टी है। उनके द्वारा ये कहा गया कि पूरी लड़ाई कमलनाथ के बेटा और दिग्विजय सिंह के बेटा का लेके हुई रही है। कमलनाथ का ये समझे चाहिए कि दिग्विजय सिंह तो उनके दोस्त आई उनकर कपड़े फड़वावे के बात कह रहे हैं, मगर जयवर्धन सिंह उनकर भतीजा ही इनकर कपड़ा क्यों फड़वा रहे हैं। जबकि छिंदवाड़ा जिला के टिकट के ऐलान का नकुलनाथ के द्वारा चीन जाए वाले ऐलान पर सारंग के द्वारा कहा गया कि यह बतावत है कि कांग्रेस कोनो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। एक है सोनिया गांधी के बेटा राहुल भैया और एक है कमलनाथ के बेटा नकुल भैया, बीच में फंस गए हैं दिग्विजय सिंह के बेटा जयवर्धन भैया। बेचारा कांग्रेस कार्यकर्ता तो सिर्फ दरी बिछाएगा। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।